बांग्ला फिल्म है एडवेंचर्स ऑफ जोजो और तीन बच्चे हैं जोजो, शिबू और नोनीबाला। और उनकी कहानी है उनके जो तमाम जो खेल करते हैं वो जंगल में, कहाँ पर हैं वो? बारोपहाड़ी। बारोपहाड़ी मीन्स द बिग माउंटेन, वो है अरुणाचल प्रदेश में बारोपहाड़ी। वहाँ पर उनका जो है कैसे वो वाइल्ड लाइफ के बीच में इंजॉय करते हैं, कैसे वो डिस्कवर करते हैं एक टाइगर का रिमेन, और उसके बाद जो है पोचर्स के बारे में उन्हें पता चलता है जो जंगल में घूम रहे हैं और जानवरों को, निहत्ते जानवरों को, और उनको मार रहे हैं। फिल्म जो है इसी पूरे कहानी के साथ है। ये फिल्म बच्चों पर एम्ड है। मैंने देखा इस फिल्म को, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अपने बच्ची को भी साथ में दिखाया और बड़ी इंटरटेनिंग फिल्म थी। डायरेक्शन अच्छा था, एक्टिंग अच्छी थी, स्क्रीन प्ले बहुत ही टाइट है, और फिल्म जो है मेरे ख्याल से जैसी बनाई गई है बच्चों के हिसाब से बड़ी अच्छी फिल्म। मैसेज भी बड़ा अच्छा है वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन का, लोगों को जो है ये एक एहसास देना कि कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए अपने अगल बगल की प्रकृति को बचा के रखना। जोजो जो है एक छोटा सा बच्चा है, 12 साल का, पिता के साथ अपने और माता के साथ रहता है कोलकाता में, और जहाँ जैसा होता है आमतौर पर बहुत कम समय है उस बेचारे बच्चे के पास अपने लिए, पढ़ना है, स्कूल जाना है, और लेकिन उसका सपना क्या है? जानवर, जंगल, इस तरह के जो है सपने के साथ रहता है। जब उनके माता पिता जाते हैं शहर के बाहर ग्रैंडमा को अपने हॉस्पिटल लेके जाने के लिए वेल्लोर में, तो जोजो क्या करता है, अपने अंकल के साथ एक छुट्टी पे निकल जाता है बारोपहाड़ी पे। बारोपहाड़ी एक हरियाली से भरी हुई जो है जगह है, उस जगह पे जाकर के बच्चा मंत्रमुग्ध हो जाता है। वहां पर दो और बच्चे भी हैं जो कि उसके कजिन्स हैं, और वो हमेशा सिर्फ इनका एक ही ध्येय रहता है, वो प्रकृति के बीच में है और वो पूरी तरह से रमे रहते हैं पढ़ाई में, कमरे के बाहर भी नहीं निकलते, समझिए। तो जो जो अलग है, पढ़ना तो उसे पसंद है लेकिन उससे ज़्यादा पसंद है उसको एडवेंचर, उससे ज़्यादा पसंद है उसको जंगल। लेकिन जब एडवेंचर आता है तो इस तरह का आता है कि वो शिबू से मिलता है, एक लोकल लड़का है जो उसी के एज का है। शिबू जो है उसी जंगल के बीच में पला बड़ा है, और वहाँ पर जो है उसका एक दोस्त भी है शिबू का जो बहुत विशाल है, एक हाथी है जिसका नाम है नोनी। और तीनों मिलकर के जो है एक मिशन पे निकल जाते हैं पोचर्स को पकड़ने के लिए, जो कि मारना चाह रहे हैं चेंगिस को। चेंगिस एक बहुत बड़ा टाइगर है जो कि जंगल का रखवाला है, और उसको मारना चाह रहे हैं ये पोचर्स जो है। बड़ी अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा प्रिमाइस है, और मेरे ख्याल से इसका जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिल्म एक एम्बिशियस फिल्म है, एक बड़ी फिल्म है, फिल्म का एग्जीक्यूशन जो है बहुत अच्छा है। मुझे राज चक्रवर्ती बहुत अच्छे लगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर तपनदा होते इस समय तो राज चक्रवर्ती को बहुत पसंद किया होता उन्होंने। वो उन्होंने राज ने स्क्रिप्ट को बहुत ज़्यादा जो है छेड़ा छाड़ी नहीं की है उसके साथ। पद्मनाभ दास गुप्ता की जो स्क्रिप्ट है उसको बहुत संभाल के बनाया है। जशुजीत बैनर्जी बहुत अच्छा डेब्यू किया है उस बच्चे ने जोजो के रूप में, और सैमुल आलम जो हैं जो शिबू का रोल कर रहे हैं वो भी जो है पूरी तरह से एक मोगली टाइगर का जो है मोगली और का एक नया रूप बन करके आया है। और रुद्रनील घोष जो हैं वो काफ़ी फिरोशियस लगे हैं मुझे, और इन फेमस पोर्चर बने हैं इस फिल्म में बड़े ही, मुनिया हजारी नाम के, जो कि एक बार चिंगिस ने जिस पर अटैक कर दिया था। फिल्म में थोड़े बहुत गीत हैं और गीत अच्छे हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मुझे सबसे बड़ा गीतों के साथ एक ही चीज़ रहती है, गीत दो तरह के होते हैं, एक या तो अपने आप में आपको एंटरटेन करें या कहानी को आगे बढ़ाएं, ये गीत कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं बोलता हूं कि इस फिल्म को हर बच्चे को दिखलाइए ले जाके, यदि भाषा का थोड़ा बहुत समस्या रहे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी अंग्रेज़ी हर बच्चे को जो है हर शब्द समझ में आता है, बच्चों को फिर भी अंग्रेज़ी फिल्में दिखलाते हैं ले जा करके, क्यों नहीं दिखाएं ले जा करके हम इसको जो है बंगाली फिल्म को। हमारे यहाँ की बनी हुई फिल्म है, अच्छी स्पेशल इफेक्ट है, बच्चों के लिए बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ा अच्छा जो है मैसेज है, देखना चाहिए हमें जा करके। मैं तो प्रार्थना करूँगा सबसे, चाहे वो मेरे मराठी दोस्त हों, चाहे बिहारी दोस्त हों, चाहे कन्नडिगा मित्र हों, चाहे तमिलियन हों, चाहे तेलुगु के हों, जहाँ के भी फज्जे जिस भी भाषा के आप व्यक्ति हैं, आप इस फिल्म को देखें जा करके। भारतीय फिल्म है, बच्चों के लिए फिल्म है, प्यारी फिल्म है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि एक भी फिल्म में ऐसी चीज नहीं है जो बच्चों को नहीं जाननी चाहिए या बच्चों के लिए नहीं एम्ड है। तो मेरा रिव्यू इस फिल्म का यह है 5/5। मैं इस फिल्म को चाहूंगा कि हर बच्चा देखे। मैसेज अच्छा है,
फिल्म अच्छी है और ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना हमारा काम है। कल को हो सकता है कि यही फिल्म अगर ऐसे सपोर्ट मिले तो अन्य भाषाओं में बन के भी रिलीज़ हो। इतनी अच्छी फिल्म अगर अंग्रेजी में भी डब हो के विदेश में रिलीज़ हो तो ऐसा नहीं है कि जंगल बुक से ख़राब लगेगी देखने। थोड़ा सा स्केल और बढ़ाना होगा, लेकिन उसके लिए फिर हमारे पास बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो आएंगे आगे बोलेंगे कि नहीं, अगर इतना टैलेंटेड स्क्रिप्ट राइटर है, इतना टैलेंटेड डायरेक्टर है, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं जो काम कर सकते हैं, मैं पैसा लगाता हूँ इस फिल्म को दोबारा बनाया जाए बड़े पैमाने पर। ऐसा हो भी सकता है, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। फिल्म इस बात को बताती है आपको कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, कभी कभी सपने सच भी हो जाते हैं। बच्चों के लिए सपने देखना बहुत आवश्यक है और ये फिल्म बच्चों को सपने देखने पर एक अच्छा मैसेज देती है। मिलता हूँ आपसे एक छोटे ब्रेक के बाद, तब हम और बातें करेंगे। मैं एक फिल्म आज रिव्यू करने जा रहा हूँ, कन्नड़ा की यू टर्न, उसके बारे में मैं लौट करके बताऊँगा। तब तक आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।